शोक जिस तरीके से अब ये लगातार किसान आंदोलन बढ़ रहा है, इसकी आग जो है वो अब उपवास तक पहुंच चुकी है। आज का जो कार्यक्रम है किसानों का उपवास और धरने का 8 बजे से 5 बजे तक, उसमें योगेंद्र यादव पहुंचेंगे या फिर आम आदमी पार्टी का कोई नुमाइंदा पहुंचेगा, क्या दिख रहा है, क्या समझ पा रहे हैं आप? देखिए, अभी किसान सिंघू बॉर्डर पर धरने पे बैठे हैं, अनशन पर चल रहा है इनका, और इनकी इनका ये साफ तौर से कहना है कि हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इन 3 कानूनों को वापस नहीं करती, एमएसपी को लेके गारंटी नहीं देती, पराली वाले इश्यू को सॉल्व नहीं करती। आप देख सकते हैं कि तमाम किसान यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं और आंदोलन और तेज करने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ किसान मजदूर संघर्ष समिति के प्रेसिडेंट है पंजाब के सतनाम सिंह पन्नू साहब, उनसे बात करते हैं। सतनाम जी, किस ढंग से ये आपका आंदोलन आगे बढ़ने वाला है, और कोई दूसरी पार्टियों के नेता या आने वाले हैं क्या? हाँ, नहीं, ये सारे जो है नेता लगातार आ रहे हैं। असी आंदोलन को अपने को तेज करेंगे, इसके साड़ी मांगे ही हैं। एक दो तीनों काले गड़े खेती कानून है वो रद्द किए जाएं, जो प्रदूषण वाला कानून रद्द किए जाएं, पराली वाला कानून रद्द किया, अपना जो बिजली शोध बिल 2020 है उसको रद्द किया जाए, और जो एमएसपी की गारंटी वाला कानून पास किया जाए, वक्रा एक वक्रा कानून एमएसपी गारंटी वाला कानून पास किया जाए, उसका आंदोलन जो है वो आज भी यही अनशन पर बैठे हैं। ते सब डीसी दफ्तरों पर, देश भर के पंजाब में जो कार्यालय है डीसी के, उन पर धरने दिए जा रहे हैं, मांग पत्र दिए जा रहे हैं, और देश भर में आंदोलन और तेज करेगा। रेल भी जाम किए जाए, रेल जाम करने का भी ऐलान किया जा सकता है, और भी कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। तो देख सकते हैं कि जो किसान नेता है प्रेसिडेंट है, इनका साफ तौर से कहना है कि आंदोलन तेज रहेगा, सरकार को हमारी मांगे माननी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं, कोई अमेंडमेंट ये लोग नहीं चाहते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर प्रॉपर तरीके से इन्होंने आज अनशन किया कर रहे हैं और आंदोलन की बात कर रहे हैं कि किस सरकार से बातचीत करने में हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार कानून तो वापस करे, सरकार किसानों की मांग को तो एड्रेस करे। आप देख सकते हैं कि पूरा सिंघू बॉर्डर पर किसान सुबह से ही यहां अनशन पर बैठे हैं और जगह जगह पर धरने प्रदर्शन इनके चल रहे हैं, और जो किसान नेता हैं उनकी यही बार बार मांग है कि हमारी जो इश्यूज हैं उनको सरकार एड्रेस करे, उनको पूरा करे, टाल मटोल ना करे। इनका ये कहना है कि सरकार टाल मटोल करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, लॉजिंग में आपका अशोक कुमार कुणाल हमारे संवाददाता भी लगातार गाजीपुर बॉर्डर से बने हुए हैं। कुमार, 19वां दिन आंदोलन का, आज अनशन के साथ भूख हड़ताल भी की जाएगी, ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर पर क्या परिस्थिति है, वहां पर क्या और ज्यादा किसान आज इस उपवास वाले आंदोलन से जुड़ेंगे? देखिए, हम तस्वीरें आपको सीधे दिखाते हैं किस तरीके से जो तमाम बड़े नेता हैं वो मंच पर इस समय उन्होंने जगह ले ली है और उस समय आंदोलन पर बैठे हुए हैं। राकेश टिकैत हमारे साथ है, आज अनशन आपका शुरू है, शुरू हो गया, क्या आगे 5 बजे तक आगे भी इसको कंटिन्यू रखना है? 5 बजे तक है अभी, तो फिर क्या पता क्या होगा, अभी 5 बजे तक है। तमाम और भी जो नेता है यहाँ पर वो भी बैठे हुए हैं, आप लोगों की जो डिमांड है उसको लेकर के अभी तक सरकार ने कोई नरमी नहीं दिखाई है, तो किस तरीके की तरफ आंदोलन जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है? आंदोलन शांति से शुरू हुआ था और शांति के साथ ये चलेगा, अब सरकार इसको कब तक खींचना चाहती है, अगर उनको ये लगता है कि ये भी हार्ड मास्क के बने हुए हैं, इनको भी ठंड लगती है, इनको भी गर्मी लगती है, इनको भी रजाई चाहिए, तो इसका मसला निकाले, नहीं तो रोज की रोज जो ये सोच रहे हैं भी कल को हो सकता है ये को ठंडा पड़ेगा, ये रोज की रोज गर्म होगा, इससे कम नहीं पड़ेगा जनता पर। आंदोलन गर्म हो रहा है और हम दिखाएं आपको थोड़ी दूसरी तरफ की भी तस्वीर, ये मंच की तस्वीर थी नेहा, और ये तमाम जो किसान है ये यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं, नेशनल हाईवे पर बैठे हुए हैं, ठंड की रात है, सुबह भी ठंड वाली है, लेकिन जो उत्साह है, जोश है वो लगातार बना हुआ है, नारेबाजी चल रही है, एक तरफ का ट्रैफिक भी पूरी तरह से रुका पड़ा है, तो सारी चीजें यहाँ पर जो पूरी तस्वीर आपको, जो 360 डिग्री तस्वीर हम आपको गाजीपुर बॉर्डर से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से किसान नेता एक तरफ, किसान दूसरी तरफ, और तमाम जो बातें हैं कि आंदोलन हल्का नहीं पड़ेगा, आंदोलन बढ़ता जाएगा, आज 5 बजे तक उपवास है, लेकिन आगे भी अगर आंदोलन जारी रखने का की जरूरत पड़ी तो शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन चलता रहे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।